ऐसा लगता है मुझे आप लोग सब अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में होंगे, खुश होंगे। प्लीज टेक केयर योर हेल्थ, द सिचुएशन इज नॉट गुड एंड नॉट अंडर कंट्रोल, प्लीज। अच्छा, ये वीडियो है कॉर्ड अप्लाइमेंट को लेकर के, ये वीडियो कॉर्ड अप्लाइमेंट को लेकर के है। एक कुछ दिन पहले मेरे पास एक मैसेज आया था मिस्टर रंजीत करके, उन्होंने मेरे पास काफ़ी अच्छे वो बातें मेरे को लिख के बताई थी सर, कॉर्ड से रिलेटेड कि ये चीज़ें हैं सर, ये ऐसे अप्लाई हुआ है, ये इस तरह से आप कैसे अप्लाई किए हैं, जो रिलेशन ऑफ कॉर्ड होता है वो ये है, इसका चार्ट ये है। देखो एक चीज मैं बताता हूं, एकदम ध्यान से समझना। थ्योरेटिकल पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट, ये दोनों अलग अलग बातें, इनको आप एक साथ कभी मत मिलाइएगा। पहला नंबर बात, जब आप कॉर्ड अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मान लो जी मेजर का कोई गाना है, तो जी मेजर, सी मेजर, डी मेजर, डी सेवन, जो भी आप लगा रहे हो कॉर्ड जी मेजर को रिलेटेड समझ के अगर आप लगा रहे हैं तो वो चलो लगा। लेकिन जब आप एकदम एग्जैक्ट कॉर्ड लगाते हैं किसी गाने के ऊपर, तो हम लोगों के का जो सॉन्ग होता है, स्पेशली दैट हिंदी मूवी सॉन्ग सर, तो वो क्या होता है ना, द सॉन्ग सर नॉट ए फिक्स टू पर्टिकुलर नोट्स। वो कंपोजर जो होते हैं वो अपने हिसाब से उस नोट्स को लेके जाते हैं। मीन्स क्या है कि गाने का जो कॉर्ड्स का अप्लाई है, आपको गाने के सिचुएशन के हिसाब से वहां लगाना है। अगर आप थ्योरेटिकल ये जानते हो कि जी मेजर का रिलेटिव इसके ई माइनर है, जी मेजर में सी मेजर लगते हैं, डी मेजर लगते हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन अगर जी मेजर का गाना में ए मेजर लगा, तो वो गाने के हिसाब से लगा, वो आपको लगाना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि थ्योरेटिकल जो बातें होती हैं वो आपको जानना चाहिए, आप जान जाओ, लेकिन प्रैक्टिकल वे में वो चीज़ें पलट जाती हैं, वो चीज़ें वैसा नहीं रहती हैं। ये जो बिगनर है उनके लिए भी बता रहा हूँ, जो बजाते हैं ये उनके लिए भी बता रहा हूँ, क्योंकि कॉर्ड का जो अप्लाइमेंट होता है ना वो पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से होता है। सिचुएशन जो बोलेगा आपको कॉर्ड वही बजाना है। अब जैसे मान लो ए माइनर का रिलेटिव इसके सी मेजर है, सी मेजर का ए माइनर हो गया, जी मेजर का ई माइनर, ये सारी बातें सही है, सब बातें मैं मानने को तैयार हूं, लेकिन अप्लाइमेंट ऑफ कॉर्ड जो है वो सिचुएशन के हिसाब से होगा। वो उसमें आप सोचोगे कि ग्रामेटिकली सर आप ऐसा था, आप इस तरह से लगा दिए ऐसा था, तो वो चीज यहां पे लागू नहीं होता है। देखो एक क्या होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत है आपके पास, यू हैव लॉट्स ऑफ नॉलेज थ्योरेटिकल, यू नो स्टाफ नोटेशंस आर, डिस्टेंट नोटेशंस आर, रिलेटिव ऑफ कॉर्ड्स, कोवेरिएशन ऑफ कॉर्ड, एवरीथिंग यू हैव। बट वेन यू गो टू द प्रैक्टिकल साइड, द नॉलेज इज डजंट हेल्प यू वेरी, अंडरस्टैंड। वहां पर आपको हेल्प आपका एक्सपीरियंस और आपका दिमाग करेगा, क्योंकि जब आप किसी के साथ, ये देखो एकॉम्पनीमेंट स्टूडेंट है, अभी अगर मान लो मैं इसे लीड बजाता हूं तो ये लीड स्टूडेंट हो गया, बट ये एकॉम्पनीमेंट करने के लिए कोई गा रहा है, हम लोग उसके साथ एकॉम्पनीमेंट कर रहे हैं, बजा रहे हैं। तो अगर कोई गा रहा, अगर मान लो कोई ऐसे लगा रहा, तो यहां पे भी आपको कॉर्ड लगाना होगा। जैसे कि एक वीडियो हम बनाए थे शावरे का, उसमें गाने का कॉर्ड हम जो गाने के सिचुएशन के हिसाब से लगाए थे, कुछ कुछ चीजें उसमें मेरा चेंज किया हुआ था, जिसके चलते काफी मेरे पास कमेंट भी आया, और खास करके कमेंट मेरे, मैं समझ जाता हूँ कि इसको कितना दिमाग है और कितना नॉलेज है। एक बंदे का तो कमेंट आया था कि भाई बहुत हिम्मत है आप में, वो दिल्ली का एक कोई बंदा है, तो मैंने लिखा, उसको जवाब भी दी थी कि यस हिम्मत तो है, फिर उसने मेरे को कमेंट लिखा था कि आप म्यूजिक में नहीं हिम्मत है, मैं बात म्यूजिक की नहीं कर रहा। तो फिर मैंने उससे कोई, तो फिर मैंने शायद उसका जवाब ये दिया था कि फिर ये बताने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि देखो प्रैक्टिकल नॉलेज और थ्योरेटिकल नॉलेज ये बहुत बड़ी बात होती है, ये मैं आपको एकदम बार बार समझा रहा हूँ। अब जैसे देखो मान लो उसमें क्या किया था, जैसे ये ए मेजर, ये
जैसे देखो ए मेजर का एक गाना हम सावरे जो बजाए थे, अब देखो ये जो लाइन है जलू तेरे प्यार में, तो ये सी मेजर कैसे लगा? ए मेजर का गाने में सी मेजर कैसे लगेगा? जो बताने की कोशिश करो वो समझो, ए मेजर के गाने में सी मेजर इसलिए लगा क्योंकि ये गाना टर्न हो गया यहाँ पे, जलू तेरे प्यार में तो हो, तो आप क्या करो, बोले नहीं ए मेजर गाना है सी मेजर कैसे लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप गलत हो। अगर मेरे से कुछ सीखना है तो प्रैक्टिकल बातें करो, उतना लंबा चौड़ा एकदम ये वो सर ये थ्योरी कुछ नहीं जानता मैं यार, डजन ऐप। अगर थ्योरिटिकल मैं बात करूं, थ्योरी की बात करूं, तो शायद कुछ जो मेरे साथ ऑनलाइन सीखने को मैं बताया भी हूं, एक ब्रीफकेस नोटेशन है मेरे पास जिसका कोई यूज नहीं है, कोई यूज नहीं है। अगर मैं वो देना लगा क्या करके, जैसे जून डे हैप्पी बर्थडे जिंगल क्या करोगे यार, क्या बजा के क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकोगे। तो कॉर्ड आपको लगाना है, उस गाने के सिचुएशन के हिसाब से कॉर्ड लगाओ। आप जानो इस मेजर का ये रिलेटिव है, ये चीज यहां होता है, लेकिन गाना जब टर्न लिया, जैसे एक रोड में से सीधा बाइक लेके तुम जा रहे हो, अगर मान लो राइट मुड़ना है तो आपको राइट मिलना पड़ेगा, स्वाभाविक है। तो उस चीज को आप इसमें अप्लाई क्यों नहीं करते हो? आप हमको पता नहीं, आई डोंट नो हु इज योर टीचर, आप कहां सीखते हो, आप क्या जानते हो, हमको ये पता नहीं। किसी चीज को इजी बनाने के चक्कर में उसको खराब मत करो। मैं आपको एक बार पहले बता दूं, गिटार में कैप लगाना बंद कर दो, मत लगाओ, कैपो से कुछ नहीं होता यार, कुछ नहीं होता। कोई गाना अगर जी मेजर का है तो क्या ए मेजर में नहीं बजेगा, ए मेजर गाना का जी मेजर में नहीं बजेगा, जी मेजर गाना एफ मेजर में नहीं बजेगा। ये करने की कैपेसिटी बनाओ, सीखना है तो, नहीं सीखना है टाइम पास है तो टाइम पास करते रहो। अब जैसे देखो एक एग्जांपल दिखा दो, ये गाना जी मेजर का हुआ, तो जी मेजर गाना मेजर कहे लगा। अब क्वेश्चन अगर आपके ये होगा सर ये जी मेजर गाना इसमें ए मेजर क्यों लगा, तो अगर आप बिगिनर हो, अब थोड़ा सा नॉलेज है आपको, थोड़ा सा सीख रहे हो, थोड़ा सा चीज जाने हो, तब ये क्वेश्चन आपका सही है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल बजा रहे हो, आपके अंदर वो टैलेंट है, ये क्वेश्चन कोई मायने नहीं रखता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप हर गाने में 9-7 डोमिनेंट सब डोमिनेंट ये लगा रहे हो, आप जरूरत भर सरल इंसान बनो, कम बजाओ सुंदर बजाओ, वो ब्यूटीफुल लगना चाहिए। आप किसी पेड़ को रोप रहे हो तो उसका जो वो सुंदरता है उसको मेंटेन रखो ना, जो बार बार उस पेड़ को हम उछाटते हैं क्यों, क्योंकि उसकी ब्यूटी मेंटेन रहे। अगर आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं है, तो उसका कोई यूज नहीं होता रियल। आपको एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ, देखो ये जी मैं इसका रिलेटिव नियम है, ये टेक्निक भी मैं सिखाया हूँ, सी माइनर इसका डिजाइन मेजर यहाँ पर रिलेटिव हुआ, ये सब चीज़ सही है सब चीज़। लेकिन गाना जब टर्न लिया, कॉर्ड आपको उस हिसाब से टर्न लेना पड़ेगा उसमें कोई। अब जैसे देखो ये दर्ज हाँ ये पूरा है ना, अब जहाँ वो सैक्सोफोन का पार्ट था वहाँ मेजर हो जाता, तो ये मेजर ये बप्पीदा की है, ये कोई रोहित नहीं किया मेजर उसको, तो आपको मेजर यहाँ मेजर हो गया गाना, ये आपको समझ होनी चाहिए, ये गाना मेजर हो गया। अब आप पूछोगे सर कैसे समझेंगे कोई गाना मेजर हो गया, कैसे समझेंगे कोई गाना मैंने, तो इसका वीडियो भी मैंने एक ऑलरेडी दे रखा आपको, वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा। लेकिन आप अपनी आदत को खराब करते जा रहे हो, आप वो चीज़ करते जा रहे हो कि जो चीज़ ईजी हो जाए। हालांकि मैं अपने वीडियो में चाहता हूँ कि नहीं, मैं जितना ईजी से ईजी बजा के स्लो करके समझा के आपको बता सकूँ, तो उस चीज को आपको फॉलो करना ये आपका काम है, उस चीज पे थोड़ा मेहनत करो बाबू। अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं, मेरे से तो कोई फायदा नहीं मिलेगा।
तो आपको आज याद क्या रखना है इस वीडियो से, गाने के कॉर्ड का जो अप्लाइमेंट है वो गाने के सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है। एकदम आप एकदम लिख लो, गाना का सिचुएशन जिस हिसाब से जाएगा आपको कॉर्ड उस हिसाब से लगाना है। व्हेनेवर द सॉन्ग इज मेजर, व्हेनेवर द सॉन्ग इज माइनर, डजंट मैटर व्हाट इज द सिचुएशन। क्लियर?